हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, हालचाल बहुत मस्त हैं और उम्मीद करती हूँ आपके भी हालचाल बहुत मस्त होंगे। देखिए, मेरे फेस पे ना अच्छी सी स्माइल है, लेकिन जिंदगी ना हमेशा स्माइल से कटती नहीं है। मेरा फ्रेंड ना कौआ, जिससे आपसे पहले भी मिलाया था, वो लगातार ना इधर से उधर मंडरा रहा मुझे देखकर, पता नहीं क्यों। ये दो क्रो, एक ये बैठा है और एक ये बैठा है, ये दोनों जब भी मैं बाहर आती हूँ तो मुझे देख कर ना ये बाहर आ जाते हैं। कई बार ये बिस्किट खा जाते हैं और कई बार नहीं खाते, लेकिन आते जरूर है मुझसे मिलने के लिए। किसी ने बताया कि कौवे अगर बोलते हैं ना बाहर तो कोई गेस्ट आने वाला होता है, लेकिन ये दोनों कौवे ना मोस्टली मुझसे मिलने आते हैं। अब ये क्यों मिलने आते हैं मुझे पता नहीं है। लगता है मेरा कोई पुराना नाता है इनसे। कह रही थी कि जिंदगी कभी भी एक स्माइल से नहीं कटती है। सही कह रही हूँ ना, क्योंकि मेरी स्माइल तो है लेकिन स्माइल के अंदर मेरा दुख है। मैं नहा चुकी हूँ और आरती का मुझे कॉल आ गया है कि वो नहीं आ रही है, तो अब दोबारा फिर कपड़े चेंज करके ना घर के कामों में लगूंगी, घर के काम निपटाऊंगी। मैं तो फुल टाइम मेड रख सकती हूँ, लेकिन मैं खुद को ना एक्टिव रखने के कारण फुल टाइम मेड नहीं रखती हूँ, कि अगर फुल टाइम मेड आ गई तो मैं सारा वक्त बिस्तरे पर लेटी रहूँगी, उससे काम कराती रहूँगी। तो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी हेल्थ के फ़ायदे के लिए मैं ये सब करती हूँ। जिंदगी ना खट्टी मीठी है, मतलब कई बार ना मैं अपने पास में चली जाती हूँ। तो बहुत सारे ज़िंदगी के ऐसे चैप्टर हैं जो कभी हो सकता है कभी मैं आपके सामने खोलूँगी, तो उसमें इतना कुछ है ना, अप्स एंड डाउन्स, इतना टेढ़ी मेढ़ी लाइफ, मतलब कभी लाइफ स्मूथ नहीं थी मेरी, इतना ज़्यादा स्ट्रगल मैं ज़रूर आपसे कभी बताऊंगी, क्योंकि मैं अभी इतना ओपन नहीं हूँ। एक दिन मैं ओपन होंगी और अपनी ज़िंदगी के सारे स्ट्रगल, मतलब मेरी ज़िंदगी में जो प्लस और माइनस, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी और अच्छा लगेगा मुझे शेयर करके। एक बार आप छुपा छुपा के अपने अंदर ना बोझ इकट्ठा कर लेते हो, तो एक तो पहले हम लोग सोचते हैं कि हम लोग किसी के सामने अपना जो डार्क साइड है ना वो कभी शो नहीं करना। मुझे ऐसे लगता है कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो, और मैंने इसको अपनाया है, मतलब व्लॉगिंग मुझे करनी अच्छी लगती है और मैं इसको कंटिन्यूसली करना चाहती हूँ, तो मैं ज़िंदगी का हर पहलू आपके सामने दिखाना चाहती हूँ। तो देखो मैं कब तक कंफर्टेबल होती हूँ। तो दोस्तों आ जाइए, चलते हैं आज के सफ़र पर। क्या हुआ, थक गए हो घूम घूम के? आ जाओ बेटे को, भूखे के बेटे को भी साथ लेकर आइए। ये आज छुट्टी थी तो क्या लगा चल साथ में आओ मम्मी को, क्या करूँगा। तो बच्चे को तो लेके जाओ तो भूख लगती है ना। सुबह आज 10 बजे किसी ने बुलाया, मेरे को मिले भी नहीं, वो निकल गए। काम नहीं में आए हुआ, काम नहीं मिला, अभी वो खाली घूम गया। अच्छा चलो मैं भी पानी दूँ पहले, ये बेटा पानी पी दे। तुम्हें भी खानी है रोटी? मैं अभी सब्जी बनाई थी, देती हूँ बनाकर, ठीक है। दोस्तों ये ना बाहर एक लेडी आई हुई है, साथ में बच्चा है उसके, तो वो पुराने कपड़े खरीदती है लोगों से, तो काम ही हुआ होगा, तो बच्चे को देख रही हुई है साथ में, तो बच्चे को भूख लगी होगी और मैं अभी ना खाना बनाने ही लगी थी, तो मैं उसके लिए ना गर्म गर्म खाना बना रही हूँ, तो मैं उसको बना के देती हूँ। इतना बड़ा फुल्का वैसे मैं बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा बड़े बड़े फुल्के बना दूँ, उनका पेट अच्छे से भर जाए। अरे बड़ा अच्छा लगता है मेरे को ऐसे ना, कभी किसी को खाना खिलाना पड़े, अपने हाथ से खाना बना के खिलाना तो बहुत अच्छा लगता है। आराम से खा लो, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। क्या नाम है इसका? रोहित। पढ़ता नहीं है? पढ़ता है, साथी में। तो अभी छुट्टी है, अभी स्कूल खुल तो गए? नहीं, आज संडे। आज संडे है, वैसे स्कूल जा रहा है ना। खा लो आराम से। तुम क्या खाने के बदले बर्तन दोगी? नहीं नहीं, ऐसे भी खा क्या करो, काम तो चल नहीं रहा है मेरा, इधर उधर भटक रही हूँ, इधर थोड़ा हवा भी ठंडी खा लूंगी, थोड़ा काम भी हो जाएगा। जाने लगी है? थैंक यू तेरा बहुत बहुत। आज आई नहीं थी ना मेरी आरती, तो बर्तन साफ करती है। कोई बात नहीं, मैंने तो कोई ऐसे थोड़ी समझ के किया है, मैं तो कहूँ ऐसी खाली बैठी हूँ, किसी की मदद हो जाएगी, किसी की हेल्प कराना तो बहुत खुशी की बात है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। चल अब तेरा पेट भर गया तो थोड़ा सा घूम लेगी ना आगे तक, है ना। चल
फिर आना कभी, ऐसे कोई बात नहीं, जब भूख लगे आ जाना। आपने बोला था तभी तो आई थी मैं। हाँ एक बार पहले भी आई थी ना तू मेरे पास। आपने बोला था ना तभी आई थी मैं, जब आ जाना मना मत जब भूख लगे ना आ जाना। अभी तो बच्चा है साथ में तो खाना बना डेली बनता है, कभी कभी तो अकेली होती तो नहीं बनता, तो किसी के सहारे बन जाता है कि किसी के लिए बनाना है तो अपना बना लो। हाँ ये भी सही कह रहा, अकेले अकेले इंसान के लिए भूखे बैठे तो कुछ बनता नहीं है। हाँ ऐसा लगता है कि इंसान के लिए क्या बनाने बैठू, आलस करती है। सही बात, एक दो जने हों तो बन जाती है। इसलिए कह रही हूँ आशा कभी भूख लगे तो आ जाना, ठीक है ओके। देखो फ्रंट साइड से मार्केट, मैं हमेशा बैक साइड से ना आपको लेके गई हूँ। Artlist IO. Music licensing reimagined. भैया ये नाशपाती कैसे है? नाशपाती 220 रुपए। मीठा है ये? बहुत मीठा। क्या लगाओगे? 220। 200 रुपए लगाओ। नहीं 200 पड़ रही है, 200 रुपए में पड़ता है। एक किलो दे दो। मीठा दूंगा आपको। कैसे है? 200 रुपए। नहीं भैया ये तो बहुत महंगा भी नहीं है। 180 लगा दूंगा भैया। 150 रुपए मैंने लिया पीछे। कहाँ कहाँ है ये? केरला केरला केरला। 150 रुपए लिया मैंने यही वाला। हाँ मैं सही होता है जी, खाने भरे होते। कितना करना है? एक किलो दे दो भैया। फ्रूट को आग लगी हुई है। अंगूर कैसे हैं? अंगूर 30 रुपए पाव। एक किलो कर दो अंगूर। देखो अंगूर कितना अच्छा। ऐसी आज मार्केट चली गई थी, कुछ खास काम नहीं था, तो क्योंकि दिन बड़ा उदास उदास सा लग रहा था तो मैंने कहा खुद को कलरफुल चेंज लाने के लिए खुद में, तो कलरफुल मार्केट में चली गई। और उसके बाद मैंने फ्रूट की शॉपिंग करी और मैं घर आ गई। अब डिनर विनर बनाऊंगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।